हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी आईएएस एंड पीसीएस चैनल पे। आज से हम एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि हम नेट के प्रिपरेशन के लिए लेके आए हैं। और थोड़ा लेट हुआ है फ्रेंड्स, वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम ये पूरा प्लान कर रहे थे कि अभी तक जो पेपर्स आए हैं, क्योंकि अभी पेपर बचे हुए हैं, है ना, और न्यू डेट शीट भी आ चुकी है, उसके लिए मैं एक न्यू वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो अभी तक जितना भी हुआ है हमने उसकी डिटेल स्टडी करी है कि किस किस तरीके से जो साइट्स हैं वो आए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी हैं। तो आई होप सो कि आप लोग समझ सकते हैं कि उन सारी चीज़ों में हमें थोड़ा टाइम लगा है। तो चलिए आगे इसको हम शुरू करते हैं। अभी तक जो भी आया है उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस देख लेते हैं, और बाकी कोशिश करूंगी मैं आपको एक चीज़ समझाने की कि एग्ज़ाम में अभी जो आने वाले हैं उसमें किस तरीके से अटैम्प्ट करना है आपको और क्या उसके अंदर रहेगा। और देखिए, पेपर वन के बारे में बता रही हूँ, बिकॉज़ पेपर वन सभी का सेम है, सभी का सिमिलर होगा, पेपर वन में आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे, आई होप सो। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं उन साइट्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि अभी तक जितने भी सेट हुए हैं उसमें सबसे मेन जो सोचने वाली बात है वो है आपका सबसे पेपर वन का सबसे पहला पॉइंट, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिक जो आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, आप क्या बनने वाले हैं। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, JRF ले लेते हैं, तो आपको आपकी जो जर्नी है वो जा करके ख़त्म होती है एक टीचर पर। और कोई भी टीचर होगा जो, तो वो क्या करेगा कि अपनी स्किल्स, अपनी जो भी सोच है वो सारी सेंट्रलाइज करेगा किसके ऊपर। एक तो आपको लर्नर के ऊपर करना पड़ेगा, उसको एक ऐसा इस तरीके से आपको समझाना होगा जिससे कि उसको समझ में आ जाए। यानी कि हैंड्स ऑन बेनिफिट जो होंगे वो सारे के सारे आप कैसे देना चाहते हैं, वो सारे बेनिफिट्स आप देना चाहते हैं लर्नर को। तो जितनी भी स्टडी है, अभी भी जो चेंजेस आए हैं वो किसके किसके लिए आए हैं, वो सारे चेंजेस जो हैं वो स्टूडेंट्स या लर्नर्स के ऊपर ही आए हैं। तो आपको लर्नर्स के बेनिफिशियली देख करके ही सारी चीज़ों को डिसाइड करना होगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको यही ध्यान रखना है, कॉमन सेंस बेस्ड है ये। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर वन का सबसे पहला आपका पेपर है। इसके अंदर हमें अभी जो हमने देखा है रिसेंटली जो पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसमें आपके जो सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको वो क्लियर रखने होंगे। और इसमें बिल्कुल कॉमन सी बात है कि आप एक टीचर के लिए, एक प्रोफेसर के लिए ही इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो जब भी आप जैसे स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये पता ही होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो वो स्टडी जो हम जो भी कराएंगे तो वो लर्नर्स को कराएंगे। लर्नर्स स्टूडेंट्स ओरिएंटेड ही जो इसमें आंसर हैं, जो उनको बेनिफिट दिला सके, क्योंकि ये सारा कुछ जो भी है, अभी भी आपने देखा है एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज हुई है, तो उसमें भी अगर हम देखें तो क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स या लर्नर्स के ऊपर फोकस करा गया है। तो आप उनके बेनिफिशरी में ही सारे आंसर्स को कॉमन सेंस के साथ भी आंसर कर सकते हैं, बिकॉज हर जगह पे आप कोई थ्योरी नहीं लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कॉमन सेंस भी अपना रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी सिली मिस्टेक्स की वजह से 5 to 10 क्वेश्चंस जो है वो पेपर में गलत हो रहे हैं, और कंटिन्यूसली बच्चे इन चीज़ों को रियलाइज़ भी करते हैं। बट होता क्या है कि रैंडमली माइंड में क्या होता है, लास्ट डे तक हम लोग रिविज़न करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रिविज़न हमारे माइंड में पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क रहता है वो कहीं ना कहीं हम कंसेप्ट को ही ढूंढते रहते हैं और बेसिक कॉमन सेंस के थ्रू आंसर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ में। सबसे पहले ही मैंने की लिखा हुआ है, प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा, कॉमन सेंस बेस। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो रहे हैं। ऐसा ना हो जाए घर पे आके आपको लगे ये तो कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाला था, बट मैंने इसमें अपना लॉजिक लगा करके इसे गलत कर दिया। ठीक है, तो जो अभी पैटर्न रहा है, जो क्वेश्चंस आए हैं अभी तक के जितने भी सेट हैं, मैं सभी की बात कर रही हूँ, मॉर्निंग इवनिंग सभी शिफ्ट्स में जितने भी पेपर हुए हैं, हमने सभी को अपने अकॉर्डिंग दोबारा से सर्च करा है, देखा है, और सारे के सारे जो उसके अंदर पॉइंट्स हमें मिले हैं वो सारे आपके सामने लेके आई हूँ। पहला है आपका की बिहेवियर। ठीक है, की बिहेवियर के अंदर आपको जितने भी की बिहेवियर हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए, और एक हेल्पिंग बिहेवियर भी होता है। हेल्पिंग बिहेवियर ऑब्वियसली नाम से ही पता पड़ रहा है, तो वो जो हम एक डायरेक्ट हेल्प प्रोवाइड करा रहे होते हैं वो हेल्पिंग बिहेवियर में आ जाता है, क्योंकि टीचर्स हमेशा स्टूडेंट्स को हेल्प या प्रोब करने की कोशिश करते हैं। प्रोब एक इसका टेक्निकल वर्ड हो गया, जबकि हेल्प करना इसका लेमैन लैंग्वेज हो गया। इसके बाद में आ गया इफेक्टिव टीचिंग,
ऑब्वियसली क्या क्या फैक्टर्स होंगे इफेक्टिव टीचिंग के, किस किस तरीके से आप इफेक्टिवली, ऑब्वियसली आजकल तो ऑनलाइन इतना ज़्यादा हो गया कि आप जितना ज़्यादा ऑडियो विजुअल में पढ़ा रहे हैं बच्चे उतने ज़्यादा इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को कवर अप कर रहे हैं। इसके बाद में थर्ड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो वो है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो असेसमेंट में हम अगर देखें एंड इवेल्युएशन में देखें वो तो क्या है, एक तो होता है कि कंटिन्यूसली हम बच्चों को क्या करते हैं कि हम बाई वीकली बाई मंथली ये देखते हैं कि प्रोग्रेस क्या हो रही है। सपोज एक चैप्टर आपने क्लियर करा दिया है तो वहाँ तक उनको कितने लेवल तक समझ आया, कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि उसे समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो इवेल्युएशन कई तरह से होता है, एक तो आपका इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक लास्ट में होता है लास्ट ऑफ द सेशन, एक मिडिल ऑफ द सेशन होता है। मिडिल ऑफ द सेशन जो होता है फॉर एजुकेशन पर्पज़ होता है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, फॉर एजुकेशन। और जो आपका लास्ट में होता है, लास्ट इवेल्युएशन जब आप करते हैं जिससे आप प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती है आपको, यानी मार्कशीट्स मिलती हैं, डिग्री मिलती हैं, वो सारा जो होता है वो आपका मतलब ऑफ एजुकेशन होता है, यानी कि वो आपकी क्या आपने पर्टिकुलर एक सेशन के अंदर, एक पूरे टाइम फ्रेम के अंदर कितना कवर अप किया है उसके ऊपर होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कर देते हैं, एक तो हो जाता है आपका एफ ए और एस ए होता है, उसके बाद में आपका आ जाता है एफ ए एस के बाद में क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, और इसमें आपका होता है सेकेंड होता है सी आर टी के बाद में एन आर टी, जो कि जिसे हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। ठीक, तो सी आर टी जो होते हैं आपके एंड नॉन रेफरेंस टेस्ट होते हैं, ये एक होता है, देखिए सी आर टी हो गया क्राइटेरिया, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा कि इस क्राइटेरिया पे आप जैसे नेट के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो देयर इज़ अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, यू गॉट अ अप टू 55% मार्क्स, ठीक है, देन यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म, और रादर देन अगर इससे बिलो है तो यू कॉन्ट बी एबल टू फिल द फॉर्म, यानी आप एलिजिबली नहीं हो पा रहे हो ना। तो एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, जबकि नॉन रेफरेंस टेस्ट के अंदर आपको जब आप नेट क्वालिफाई कर जाते हो तो आपके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करे जाते हैं, परसेंटेज दिए जाते हैं। सपोज़ कोई कॉमर्स है 99% से उसने क्वालिफाई किया है, मीन्स इज़ दैट कि वो 100 बच्चे अगर सपोज वहाँ पे थे तो उनमें से 99 से वो बेटर है। अंडरस्टैंड, सो वेयर यू स्टैंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिमिलर एजुकेटेड पीपल्स। तो यहाँ पे हम ऐसे बात कर रहे हैं कि यानी आपके जैसे बच्चे हैं आप ही के सब्जेक्ट्स के होंगे, आप ही के तरह उन्होंने भी एग्जाम दिया होगा तो उनके अकॉर्डिंग उसको स्पेसिफिक देखा जाएगा। बट यहाँ क्राइटेरिया में क्या हो गया, सारे ही बच्चों का एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी स्टडी लेवल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन्होंने ग्रेजुएशन किया है या पीजी किया है तभी वो नेट के लिए 55% के लिए, अगर उनका मतलब स्कोर कार्ड में 55% है देन दे आर एलिजिबल, रादर देन नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया क्राइटेरिया कि स्पेसिफाई करना किसी चीज़ को, जबकि नॉन रेफरेंस टेस्ट में हम उसको क्या कर रहे होते हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग जज कर रहे होते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट को साइंस के संग में कंपेयर करके बता देंगे कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, ऐसा नहीं कर सकते ना, बिकॉज कॉमर्स स्ट्रीम डिफरेंट हो गया और साइंस स्ट्रीम डिफरेंट हो गया है ना। आई थिंक मैं आप लोगों को समझा पा रही होंगी, आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। इसके बाद में आपका आएगा नेक्स्ट फील्ड डिपेंडेंट, ठीक है, फील्ड डिपेंडेंट वर्सेस फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। ठीक है, अब इसमें भी आपका होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि ग्रुप के साथ में पढ़ते हैं, टीचर्स की हेल्प लेते हैं, है ना, और कुछ बच्चे होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली नहीं, मैं तो खुद ही करूँगा, मैं सब्जेक्ट भी खुद ही देखूँगा, मैं उसे पढ़ूंगा भी खुद ही, एक्सप्लोर भी खुद ही करूँगा। दिस इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, एक तो हो गया फील्ड डिपेंडेंट एंड अनदर वन इज़ अ फील्ड इंडिपेंडेंट। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अगर किसी चीज़ में कोई कंफ्यूजन लग रहे हो ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके, ओके, कि ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है या इसके बारे में डिटेल वीडियोस, तो वो फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखें फील्ड डिपेंडेंट एंड इस पे क्वेश्चंस आए हैं, मैं फिर से बता दूँ, ये वही पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस घुमा घुमा के अलग अलग शिफ्ट में आ रहे हैं। दिस इज़ द कोर एरिया, सबसे इम्पोर्टेंट। बाकी ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारा छोड़ दो, आप पूरे साल से तो पढ़ ही रहे होंगे, आई होप सो। तो उसके साथ में आप इसको भी प्रायोरिटाइज करके चलें, ठीक है, क्योंकि इसमें से रिपीटेडली क्वेश्चंस दे आस्क जो भी अभी तक हुए हैं। फील्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है, आप कर लेना प्रिपेयर। उसके बाद में आ गया आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंदर अगर हम देखें तो देयर इज़ अ लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो ये किसका दिया हुआ है, बाय मॉरिस एल बिगर, ठीक है, बिगर बीजे ने दिया है, सॉरी बिगर नहीं बीजे ने दिया है। तो आप
अगर इसमें देखें तो कैसे हो गए ये आपका, एक तो होता है मेमोरी लेवल, है ना, मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, उसके बाद अब तक आपका आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में जो है वो रोट लर्निंग, मेमोरी मतलब आप क्या कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो ना चीज़ों को, तो दैट इज़ मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल में रिलेशंस कंसेप्ट्स हैं ना, तो अगर हम इसे देखें और इस अंडरस्टैंडिंग वाले को, तो अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, उन्हें रिलेट करते हैं, उन्हें समझते हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। फिर आपका आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, तो रिफ्लेक्टिव लेवल आपका कौन सा एडवांस स्टेज हो गया, यानी मेमोरी लेवल सबसे पहले आएगा, अंडरस्टैंडिंग सेकेंड आएगा। पहले आप क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, रोट लर्निंग करते हैं, रट्टा मरवाया जाता है लिटरली, जैसे कि आप जब छोटे होंगे तो ए बी सी डी को कितनी बार आपने बोला होगा, है ना, और फिर उसके बाद में आपको धीरे धीरे अल्फ़ाबेट समझ आएंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल आया, फिर उसके बाद में आपने क्या करा, उनसे वर्ड्स को फॉर्म करना सीखा, खुद से बनाना सीखा, न्यू न्यू वर्ड्स आपने बनाए होंगे, तो दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये हर स्टेज पे अलग अलग बढ़ता चला जाएगा। जब आप आज की बात करते हो तो रिफ्लेक्टिव लेवल क्या हो गया, खुद से क्वेश्चन रेज करेंगे और खुद से उसे रिसर्च करेंगे, उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसे अप्लाई करके देखेंगे। तो रिफ्लेक्टिव लेवल क्या हो गया, यूज़ एंड एप्लीकेशन, ठीक है। इसको एक और हम इसके संग में रिलेट करा देती हूँ मैं, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है कि मेमोरी लेवल, पैडागोजी हो गया, एक मिनट, ये देख सकते हैं पैडागोजी हो गया, फिर ये हो गया आपका एंड्रोगोजी एंड यूटोगोजी, ठीक है, इस तरीके से। तो मेमोरी लेवल पैडागोजी होता है, ओके। अब ये यहाँ से ये ऐसे भी आपको मैच द फॉलोइंग में भी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप सारी चीज़ें क्लियर करके चलिए, रिलेट भी करिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन इस बार आए हैं। इस बार डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे फ्रेंड्स, सिली क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे, सिंपल थे, बट सिंपल थिंग्स इट्स नॉट ईजी रियली, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है सिंपल है, बट वो क्वेश्चन कुछ डिफरेंट एंगल से पूछे गए हैं, उनको दूसरी चीज़ों से रिलेट करा गया है, तो प्लीज़ रिलेट करना भी सीखते जाइए। मेमोरी लेवल को हो सकता है पैडागोजी एक साइड पे वो इस तरह से देते हैं और सेकंड तरफ इस तरह से, तो आप मैच कर लीजिएगा। और अंडरस्टैंडिंग आपका हो जाएगा एंड्रोलॉजी, रिफ्लेक्टिव लेवल यूटोगोजी, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मैं इसे साइड में कर लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद में आप देखें हावर्ड गार्डनर एंड बेंजामिन ब्लूम, ये जो कुछ थ्योरीज हैं ये भी आपको मतलब अच्छे से देख लेनी है। हावर्ड गार्डनर ने क्या कहा है मैं अभी दिखा दूंगी, इन शॉर्ट मेरे कुछ नोट्स भी मैंने ऐड करे हैं, तो आई विल शो यू दैट थ्योरीज में। तो जो इनकी थ्योरीज हैं हावर्ड गार्डनर की, बेंजामिन ब्लूम की और वैगत्स्काई की, प्याजे जीन प्याजे की, है ना, इस तरह के काफ़ी सारे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनकी थ्योरीज ज़रूर आ जाती हैं। और आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं स्टार्टिंग कर रही थी तभी बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में, की बिहेवियर एंड हेल्पिंग बिहेवियर, तो कोरिलेट करके स्टडी करिएगा कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ पे आ जाएंगे। तो इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ओके, कम्युनिकेशन में देख लेते हैं। सेकेंड आपका जो है पेपर कम्युनिकेशन, तो मतलब मैं पेपर के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताती जा रही हूँ, तो सेकंड सब्जेक्ट आपका हो गया कम्युनिकेशन, ओके गाइस, इसमें देख लेते हैं। अब कम्युनिकेशन है सिंपल, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ ना, दिस इज़ अ वन न्यू प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसलिए कम्युनिकेशन हमें पढ़ना जरूरी है एज अ प्रोफेसर एज अ टीचर। सो अपडेट इन्फॉर्मेशन हमेशा होगी, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाएंगे, हर किसी के पास तक पहुँच पाएंगे, ओके। तो इसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कम्युनिकेशन में बहुत मतलब बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, जैसे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, सपोज मैं वीडियो बना रही हूँ और नेटवर्क नहीं कर रहा, या मैं वीडियो बना रही हूँ और मुझे ठीक से चीज़ों को यूज़ करना नहीं आ रहा हो, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स दोनों हैंड से हो सकता है, एक तो हो सकता है आपकी हैंड से, एक रिसीवर के हैंड से, या फिर आप जिस सोर्स को यूज़ कर रहे हैं उसके हैंड से, ठीक है। सिंपल उसका मॉडल है वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, वो भी पूछ लेता है कि आप इसे ऑर्गेनाइज वे में लगाएं, ठीक है, इनकोडर डिकोडर, है ना, उसे भी देख लीजिएगा, दैट इज़ अ मॉडल एक्चुअली। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा, है ना, एक तो बैरियर्स बहुत पूछे गए हैं,
और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ओके, बहुत सिंपल है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं भी पढ़ के जा रहे हैं तो आप वहाँ पे जो ऑप्शंस है उनको देख लीजिएगा, उनके अकॉर्डिंग आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं, बहुत कॉमन सेंस बेस्ड हैं, यकीन मानिएगा अगर बिल्कुल आप रट्टाफाई करके गए हैं तो उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि अभी तक जो पैटर्न है बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, ओके, वैसा पैटर्न नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। इसके बाद में कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं, ओके, तो कम्युनिकेशन मॉडल्स जो आपके हैं स्पेसिफिक हैं उन्हें भी आप एक बार देख लीजिएगा, एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कम्युनिकेशन के बारे में, बहुत थोड़े से क्वेश्चंस ही आ रहे हैं कम्युनिकेशन के, बट काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ईजी हैं, अगर थोड़ा भी आपने पढ़ा हुआ है तो हो जाएगा। प्लीज़ पहले ही ट्रिक को याद रखिएगा, कॉमन सेंस आप कहीं भी ऐसा मत करिएगा अनकॉमन कर दें, क्योंकि उसकी बहुत हेल्प मिलने वाली है, विदाउट कॉमन सेंस पेपर नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं आपको वो स्लाइड्स दिखा देती हूँ, वेट अ मोमेंट, ठीक है, इसे ख़त्म कर लेते हैं, फिर मैं आपको एंड में अपने नोट्स जो मैंने ऐड करे थे वो दिखा दूँगी। आई थिंक मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करे हुए हैं। हाँ, DI की बात करें तो DI बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मैं DI की सीरीज़ लेके आऊँगी। DI आपके ऐसे सॉल्व होंगे एग्जैक्टली, बहुत मतलब DI में कुछ भी नहीं आ रहा है, DI इतना सिंपल आ रहा है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि सिंपल चीज़ें करने के लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ टाइम की बहुत प्रॉब्लम आएगी, टाइम इशू रहेगा। उसमें भी कभी कभी ये हो रहा है कि वहाँ पे कंप्यूटर्स जो है वर्क नहीं कर रहे हैं, कभी आपको कंप्यूटर चेंज करवा रहे हैं, या आपके पास वाले को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब होता है, बिकॉज छोटे छोटे से ही सीट्स हैं और सभी लोग PC जो है पास लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। तो इसके लिए तो DI में देखिए परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं कराना प्लीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से DI उठाइए और वो लगाइए, और टिपिकल वाले मत करिएगा प्लीज़, इजी वाले करिएगा। हाँ, इजी रहे हैं बट टाइम की वजह से आपका वो छूट जाएगा पोर्शन, ओके। तो आपका जो सब्जेक्ट है ना उस पर कमांड करिए, प्लस पेपर वन पे कमांड करिए, हो जाएगा। परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो, ओके, सॉरी, इसके बाद DI के बाद में हम लॉजिकल रीजनिंग और देख लेते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसमें देखिए, एक तो फैलेसीज आ रही हैं, है ना, फैलेसीज आप जरूर करिएगा, एंड फिर फैलेसीज आप सारी कर लीजिएगा, फैलेसीज की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगा करके, तो वो अच्छा हो जाएगा आपका। फैलेसीज सबको आती हैं ऑलमोस्ट, और फिर साइलॉजिस में अगर नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। और साइलॉजिस में है, साइलॉजिस में अगर आप देखते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, अगर आपने पहले से करा हुआ है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, उसे भी आप कवर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। और न्याय फिलॉसफी से कुछ क्वेश्चन थे, है ना, एंड बाकी आपके जो क्वेश्चन आए हैं वो प्रतिजना हेतु, है ना, जैसे हमने एक ट्रिक ये भी देखी हुई है, काफ़ी फेमस है ये ट्रिक, मेरा ही इन्वेंशन नहीं है, बट हाँ ये ट्रिक बहुत अच्छी है, इसे आप फून PHUUN करके भी कंप्लीट याद रख सकते हैं। बाकी आप ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स देख सकते हैं, मेरे पास हैं ऑलरेडी, मेरे नोट्स में हैं, कॉन्ट्रेरी एंड सब कॉन्ट्रेरी, ये सारी चीज़ें। तो लॉजिकल रीजन का बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे बेसिक, यही ज़्यादा देखने को मिला था मुझे, तो मैंने जो मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट से हमें मिला रिप्लाई, तो हमने उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को देखा है, बाकी हमने पेपर खुद भी देखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं, नेक्स्ट रिसर्च एप्टीट्यूड, ओके। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर हम देखें, रिसर्च एप्टीट्यूड ऑब्वियसली आप इसी फील्ड में जा रहे हैं तो आपको ये तो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो पहले तो इसमें सैम्पलिंग से आ रहे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, फिर कहूँगी मैं, पहले की तरह टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ईजी है, और वो ईजी होने की वजह से ट्रिकी हो चुके हैं एक्चुअली, उनको एक सब्जेक्ट को दूसरे से कोरिलेट करा दिया गया है, ठीक है। तो आप इसलिए बहुत कॉमन सेंस कभी यूज़ करके चलिएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पलिंग हो गया, सैम्पलिंग पे कई क्वेश्चंस आए हैं, कई शिफ्ट में आए हैं इवन, और टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गया, ये वो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ जो हर शिफ्ट में आए, आपको लग रहा होगा कि बस इतने से, यस ये इतने से ही हैं, बट आप जब इन्हें पढ़ोगे ना तब यू जस्ट रियलाइज कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो दूसरी सब्जेक्ट के साथ में कोरिलेट होकर के आ रही हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च पूछे गए हैं, डायरेक्टली नहीं पूछे गए हैं, बट एक वो केस बना करके आपको दे देंगे और उसी तरीके से आपको पूछ लेंगे। आप इसमें डाउट को क्लियर करके चलिएगा, जैसे कि एक्सपोज्ड फैक्ट होता है रिसर्च, है ना,
और फिर एक आपका हो गया हिस्टोरिकल हो गया, तो आप कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हैं ना तो प्लीज़ उसे एक बार फिर से क्लियर कर लेना, बिकॉज कंफ्यूजन वाले ही क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं वहाँ पे, जिससे आप गलत कराओ हाइपोथीसिस के बारे में। ठीक है, अब हाइपोथीसिस में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, एथिक्स ऑफ रिसर्च, अब इसे किसी और चीज़ के संग में रिलेट करके पूछ लेंगे एथिक्स ऑफ रिसर्च। ओके, और ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप उन्हें भी लगा सकते हैं, जैसे आपका थोड़ा सा जो माइंड सेट है वो अच्छे लेवल पे हो जाए, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, ये दोनों के लिए मैंने वीडियो बनाया, जो पढ़ रहे हैं पूरे साल से या 14 मंथ से, या फिर जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए, या जो स्टार्ट भी कर रहे हैं तो वो एक हैंड्स ऑन आइडिया ले सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन एग्जामिनेशन, बिकॉज आपको सबसे पहले तो यही देखना पड़ेगा कि एग्जाम हो किस तरह से, बिकॉज पैटर्न चेंज हो चुका है बिल्कुल। तो इसके बाद में आगे आपका एथनोग्राफिक रिसर्च, और इसके साथ में आप देखें मिक्स्ड है, ठीक है, जिसमें कि आपका क्रोनोलॉजिकल आ गया है ना, हिस्टोरिकल रिसर्च आ गया, और हिस्टोरिकल में तो ऑब्वियसली आपका हमेशा से क्रिटिसिज्म आता ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर एक आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिसर्च की पोर्शन के अंदर, वो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा रहे हैं कि उसका उद्देश्य क्या है ना, और वैलिडिटी, ठीक है, और इसकी रिसर्च की जो वैलिडिटी है वो, उसके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पहले भी आते रहे हैं, बट आपकी पूछने का वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है पहले की तरह, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स थे जिनको मैंने यहाँ पे बताना जरूरी समझा, इनसे बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होगी। इसके बाद में आपका गया हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन में आप प्लीज़ 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 न्यू पॉलिसीज़ को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, उसे एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ ही रहा है, मतलब एक तो 2020 जितने इनोवेशन हैं उनके UGC की, आप चाहें तो वेबसाइट पर देख सकते हैं, मैंने इसमें यहाँ पर आपको दे भी दिया है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, UGC की वेबसाइट पे देख सकते हैं आप, UGC.ac.in है ना, तो इस पे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में हायर एजुकेशन में NAEP 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, UGC की गाइडलाइंस वगैरह, UGC के अकॉर्डिंग जो भी आया है वो सारी चीज़ें, एंड कोठारी कमीशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। वैसे तो हायर एजुकेशन में करंट रिलेटेड ही पोर्शन आ रहा है, अगर आप अभी थोड़ा टाइम मिलता है तो कवर अप करिएगा, रादर देन दिस आप दूसरे सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा समय नहीं बिगाड़िएगा। मेरी एडवाइस तो यही है, मेरी पर्सनल एडवाइस है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब ऐसा ही हो रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सोच सकते हैं, बट मैं जो अपनी तरफ से हो सकता है वो अपने हैंड से आपको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, मतलब फिर आपके इसके बाद कहने लगे कि नहीं ऐसा मैम ने तो ऐसा कह दिया था, ऐसे कैसे हो जाएगा, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना बिल्कुल अपना अपने हैंड से सोचिए आपको और क्या बेस्ट लगता है, आप वो भी कर सकते हैं, बट हमें जो लगता है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए ऐसा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं, अगर आपको कोई ये नहीं बता रहा है तो वो आपको सही से गाइड नहीं करना चाहता है, वो ये चाहता है कि आप फिर से अगेन अगेन इस एग्ज़ाम को देते रहें, बट मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि जो भी बेस्ट हो सके मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो ICT के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग आया है ICT का, अगर किसी ने जरा भी पढ़ा हुआ तो वो ICT में तो बिल्कुल भी गलत नहीं करके आया होगा, आई होप सो, क्योंकि हर शिफ्ट में जो आए हैं मैं उसके पॉइंट्स बता रही हूँ आपको। बाइनरी कन्वर्जन आया है, ठीक है, ATM मशीन आया है, कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में आया है, आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप इन्हें क्लियर कर लीजिएगा। निब्बल बिट बाइट ये जैसे है KB MB GB TB PB पेटाबाइट होता है, यानी कि टेराबाइट होता है, गीगाबाइट है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, इनका सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए, यानी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कुछ भी अरेंज भी करा सकते हैं आपसे। मेमोरी रिलेटेड जो क्वेश्चन है जैसे ये अभी मैंने बताया, और इसमें मिलियन और बिलियन का भी रहता है, वो भी एक बार क्लियर कर लेना, वो भी इस तरह के क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, डिवाइस ड्राइव के बारे में है ना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, डिवाइस ड्राइव्स जो होती हैं, वायरस एंटीवायरस, ठीक है, जो भी साइबर सिक्योरिटी वाले वो जो नए नए जितने भी वर्ड्स हैं उसके वॉर्म्स वगैरह, वो सारी चीज़ें भी क्लियर करके चलिएगा। स्पूफिंग है ना, बहुत सारे हैं, मैं बताऊँगी तो आप बोलेंगे तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा तो मैं वीडियोस बना दूंगी, बिकॉज अभी तो मैं आपको ओवरऑल व्यू बता रही हूँ कि इस तरह के आए हैं क्वेश्चंस, जो आए हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, वायरस एंटीवायरस, ठीक, ये हो गया फुल फॉर्म है ना, बेसिक सी फुल फॉर्म पूछी गई है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं पूछी गई है, अगर आपने पढ़ी हुई है तो आप जरूर कर पाएंगे, नहीं पढ़ी हुई है तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, गैस वर्क काम नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर, ठीक है,
हाँ इस बार गैस वर्क काम नहीं करेगा बिकॉज क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे, असेसमेंट वाले मतलब असर्शन रीजन वाले, सॉरी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत आए हैं, उसमें आपका लॉजिक ही काम नहीं कर पाएगा, आपको थोड़ा फैक्ट एंड फिगर भी पता होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है मैं फिर कह रही हूँ, इसीलिए ज़्यादा ट्रिकी हो रहे हैं, ठीक है। गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, सही होने के कम हैं। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके अलावा आपके रैम, रोम, कैशेस, ये सब है ना, वही मेमोरी पार्ट, और वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल है ना, और बाइनरी कन्वर्जन मैंने बता ही दिया आपको, बाइनरी कन्वर्जन के भी क्वेश्चंस हैं। तो बहुत इजी हैं, लेकिन इजी लेवल के हैं, बट टाइम कम होता है, प्रेशर होता है, तो वहाँ गलत हो जाते हैं। और कुछ चीज़ें जो आईसीटी में मतलब देखने को मिली हैं वो बहुत अच्छी हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे कोई ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब अननेसेसरी आपको नहीं डराएंगे हम। इसके अलावा अगर हम देखें मैथ्स पे आते हैं, तो मैथ्स में आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, और इस दोनों के साथ में सिंपल इंटरेस्ट दे देते हैं और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे देते हैं, और फिर कंबाइंड पूछ लेते हैं कि टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, या वो अमाउंट कितना होगा, या प्रिंसिपल कितना होगा, जो भी है वट एवर। तो अगर आपने कंबाइंड करी है तो पहले सिंपल इंटरेस्ट कर लीजिए, उसमें ज़्यादा है 1 घंटा लगने वाला है आपको करने में, और कंपाउंड इंटरेस्ट और दोनों दोनों को कैसे निकालते हैं पार्शली, तो वो भी देख लीजिएगा, तो बहुत सिंपल है, वो भी हो जाएगा। रेशियो एंड एवरेज अभी भी बहुत टाइम है, ठीक है, जिनका अभी होने वाला है उन पे अभी भी बहुत टाइम है। रेशियो एंड एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप 1-1 घंटे को भी मतलब समझ के चलते हैं ना कि उसमें भी आप स्टडी कर सकते हैं, तो ज़रूर हो जाएगा, मेरा मानना है हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब जिनको टाइम स्पीड डिस्टेंस में प्रॉब्लम है वो छोड़ दीजिएगा, जो एग्ज़ाम अभी देने वाले हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास में, है ना, न्यू चीज़ हो जाएगी आपके लिए। और जिनका है, जिन्होंने कभी किया हुआ है, थोड़ी बहुत भी कमांड है, जब इतने साल से पढ़ रहे थे तो आपको आता था, या अभी 1 साल से आपने प्रैक्टिस करी थी, तो रिवीजन कर लीजिएगा, ओके। और जिनको नहीं आता है वो बिल्कुल हाथ में लगेगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा, बाकी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कर लीजिएगा, मैथ्स में सारे क्वेश्चन ही करने हैं। डीआई से अगर आप डीआई पे प्रैक्टिस करते हैं ना मैथ्स की जगह, तो डीआई मच बेटर समझती हूँ मैं, बिकॉज 10 नंबर तो वहाँ से मिल रहे हैं ना आपको। सिंपल चीज़ों पे फोकस करिए, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, बट जरूरी नहीं है कि टफ लेवल के ही आ रहे हैं, कभी कभी इजी भी आ रहे हैं, है ना, और कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में देखा गया नहीं भी आए हैं, सो नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। बट ऐसा ही सीआई जरूर करिएगा, रेशियो एवरेज जरूर करिएगा, वो वहाँ भी बेनिफिट देगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस आई होप सबको आता होगा इस लेवल पे, तो नहीं आता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ जाएगा। नंबर सीरीज़ है, ठीक है, नंबर सीरीज़ तो ज़रूर करिएगा, नंबर सीरीज़ कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर से। एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, ये एनकोडिंग डिकोडिंग वाले वो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, वो प्रीवियस ईयर से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब की हेल्प से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बात वही है, टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, और सारे ट्रिकी क्वेश्चन हैं, आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिलने वाला है इस बार, आपको डायरेक्टली आंसर नहीं मिलने वाला है, जैसा हमेशा से नेट में होता आया है, डायरेक्ट आंसर लिखा रहता था, डायरेक्ट हम लोग देख करके उसे सॉल्व कर लेते थे, अब कि ऐसा नहीं होने वाला है, पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। अब आप पूछेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पीपल एंड एनवायरमेंट है, पीपल एंड एनवायरमेंट में अगर हम लास्टली समय बचा लेते हैं तो आप ग्लोबल वार्मिंग जरूर करिएगा। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जैसे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़िएगा, कौन कौन सी मतलब रीजंस हैं जिसकी वजह से हो रहा है, कौन कौन से आपके जैसे गैसेस हैं उनकी वजह से हो रहा है, और रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, और कोविड रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो भी आए हैं, तो कोविड रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आप रखिएगा थोड़ी सी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, SDG, तो SDG तो ज़रूर करिएगा आप, SDG से क्वेश्चन आए हैं, और पीपल एंड एनवायरनमेंट भी करंट रिलेटेड ही ज़्यादा पूछा गया है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पीपल एंड एनवायरनमेंट अगर प्रैक्टिस करते आए हैं तो थोड़ा सा रिवीजन वर्क कर लीजिएगा, थोड़ा करंट रिलेटेड पढ़ लीजिएगा, कोविड के ऊपर तो आई थिंक आप पढ़ ही सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड कोविड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जरूर पढ़िएगा, क्योंकि पूरा पूरा सेट करने के लिए आ जाता है। बट फिर ये कहूँगी सभी क्वेश्चन के मार्क्स 2 हैं, और ऐसा नहीं है कि आप अगर मैथ्स का क्वेश्चन छोड़ रहे हैं या पीपल एंड एनवायरनमेंट का छोड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, नहीं, आप उसे हैंड हाथ में रखिए, उस पर ज़्यादा कमांड करिए जो जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, थीके? जैसे कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि ईजी थे, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं भी लगता है कि कुछ चीज़ों के बारे में क्लियरिटी नहीं हुई है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, और इसके डिटेल वीडियोज़ भी हम लोग बना देंगे अगर आप लोग चाहते हैं तो नेट की प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल आप अगर हमारे चैनल से स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली यू गॉट योर JRF।
इस बार JRF आपके हाथ में होगा। तो चलिए ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आए होंगे, तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, और बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगी। बाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सॉरी, एक मिस्टेक हो गई थी, क्या हमने आपको मतलब बताया था कि हम अपने नोट्स यहाँ पे ऐड करेंगे, तो वो यहाँ पे ऐड नहीं हुए थे, मैं अभी मैंने जस्ट चेक किया। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि ये सारे जो हैं, ये सारे आपके देख लीजिए पूरे, जैसे वेगर स्काई की है ना, इसके अंदर आपके सारे के सारे, वन सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये सारे आ गए आपके सारे थ्योरीज हैं, या अगर जीन प्याजे हैं, बेंजामिन ब्लूम है, लेविकस की है, बिहेवियरिज्म की है, और इसके बाद में आपका अफेक्टिव डोमेन भी है यहाँ पे, है ना, केसिया से ये आपकी बेंजामिन ब्लूम की जो मतलब उन्होंने थ्योरी दी थी, एक 1956 में दी थी और एक आपका दिया था 2001 में, तो वो भी आपका हो जाएगा, केसिया से हो गया, और RUAAEC है ना, ये निमोनिक है, आप इसे देख सकते हैं, बहुत ईजी निमोनिक्स हैं, हर जगह अवेलेबल हैं, RSVOC है ना, तो ये आपका हो जाएगा, और यहाँ पे आपका फिर इसके बाद में इफेक्टिव डोमेन पूरा इधर कर क्लियर कर दिया है। ठीक है, फीलिंग डोमेन भी होता है, इफेक्टिव डोमेन है, फीलिंग वाली बात हो गई, आप इफेक्ट हो रहे हो ना किसी से, अब आप पूछोगे कि इसमें ये क्या है, क्रॉथ है, वोल एंड ब्लूम 1964, आप थोड़ा सा इसको गूगल करना, आप लोग भी थोड़ा डिटेल देखना, तो बहुत अच्छे से आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में आपका RSVOC हो गया इफेक्टिव डोमेन में, है ना, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। फिर गैगनेज कंडीशन हो गई, इसके अंदर इन्होंने कई चीज़ें दी थी, तो मैंने छोटी छोटी करके उसे डिवाइड कर लिया था, दीज ऑल आर माई नोट्स, है ना, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको किसी बुक से बता रही हूँ, तो एक ही जगह पे कंबाइन करने से क्या होता है कि लास्ट में रिवीजन ईजी हो जाती है, और फिर माइंड में भी इसी तरह से याद आता है, एक ही बना लेना, उसको बार बार देख लेना, है ना, और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये प्याजे का मैंने कॉग्निटिव वाला ये भी बनाया हुआ था, ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये देखिए ये वाला पूरा, ठीक है, मैंने इसलिए हटा दे रही हूँ कि आपको क्लियर दिख सके, इसमें सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल ऑपरेशन है ना, SPCF है ना, तो S ने क्या करा, S सपोज हम सोच लेते हैं कि S और F है, S मदर होगी, F फादर हो गए, और उन्होंने क्या करा, अपने बच्चे को उन्होंने PC लेकर के दे दिया। ठीक है, अब तो ऐसे याद हो जाएगा, तो S वाला जो हो गया 0 to 2 years हो गया, और पी वाला जो हो जाएगा आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज जो हो जाएगा 2-6 हो जाएगा, इस तरीके से आप मतलब कर सकते हैं ये सारा कुछ, और एफ वाले में आपका 12 to adult हो जाएगा, तो तीन ही याद रखने हैं, 12 to adult आपको वैसे ही याद हो जाएगा। गैगनेज का अगर आप देखते हैं तो गैगनेज में क्या होगा, 9 steps, एक तो उसमें पूछ लेता है गैगन्स की, और गैगन्स कंडीशन अगर देखें तो कभी कभी 8 types पूछ लेता है, 9 steps इज डिफरेंट, 8 types इज डिफरेंट, एंड 5 conditions, स्टेप्स टाइप्स एंड कंडीशन, तो मैंने तो इस तरीके से निमोनिक वाइज कर लिया था, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल वीडियो नहीं है ये, मैं आपको एक बस आइडिया दे दे रही हूँ, डेलरोज रिपोर्ट्स आ गया है ना, और क्या कहते हैं, इसके बाद में आपके 4 pillars होते हैं डेलरोज रिपोर्ट के, ये आ चुका है क्वेश्चन शिफ्ट में, KDBC और जीरोम ब्रूनर का हो गया, ठीक है, स्पाइरल करिकुलम और कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, ब्रूनर 3 modes ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गए, ओके, ब्रूनर के EIS हो गया, ओके, इसके बाद में फ्रेडरिक फ्रोबेल का हो गया फादर ऑफ किंडरगार्टन, किंडरगार्टन पे कभी भी आएगा तो वो आपका हो जाएगा क्या, फ्रेडरिक फ्रोबेल, फ्रोबेल को याद रखिएगा आप, ठीक है, किंडरगार्टन के लिए। मैस्लोज की हायरार्की थ्योरी आई थिंक सो काफ़ी बच्चों को पता होगी, नहीं पता है तो आप यहाँ देख सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, देखिए नीचे से शुरू करते हैं, फिजिकल हो गया, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गया, लव बिलोंगिंग हो गया, एस्टीम हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत सारी हैं, कैसे याद होंगी, सब याद हो जाएंगी, ठीक है, अगर नहीं याद हो रही है तो जो इंपॉर्टेंट मैंने बताई है उतनी तो कर ही लेना, हार्वर्ड गार्डनर जरूर देख लेना, मल्टीपल इंटेलिजेंस है इसमें, ठीक है, 7 type ऑफ इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्ट हो गया, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, है ना, इसके बाद बॉडी बॉडी वाला ही जो होता है वो काइनेस्थेटिक होता है, स्पेशल हो गया, इंट्रापर्सनल हो गया, है ना, इंट्रापर्सनल हो गया, इंट्रापर्सनल दो लोगों में हो गया, इंट्रापर्सनल खुद में ही हो गया, ठीक है, और ये इसमें 2 बढ़ गई थी तो ये 9 हो गई, तो नेचुरलिस्टिक हो गया और एक्जिस्टेंशियल हो गया, ओके, इसके बाद में आपका ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी हो गया, सॉरी, ठीक है, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, प्रीमैक प्रिंसिपल भी है, फर्स्ट एंड देन ग्रैंडमा रूल हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, फिलोसोफर हैं, एरिस्टोटल है, हेजल है, यूम है, कांत है, और इन्होंने क्या क्या दिया है वो भी लिखा हुआ सबके सामने, अप्रियोरी, सिंथेटिक, डायलेक्टिक एंड मटेरियल, और इसके बाद में आपके आ गया प्लेटो एंड सोक्रेट्स, सोक्रेट्स ने क्या आइडियलिज्म के बारे में, IPS करके इसका बना सकते हैं निमोनिक, जॉन दवे, ठीक है, DP प्रैग्मेटिज्म, मैंने तो इसी तरीके से कराया, आप चाहें तो उसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद में सॉरी, इसके बाद में आपका एडगर डले है,
मैं खुद को ही शिफ्ट कर लेती हूँ। एडगर डले हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका, ये एडगर डले, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रीडिंग से 10% हो रहा है ना। उसके बाद में आप सारे देख सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन से 30% ही होती है, जो हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसका भी एक वे होता है ना, वही तो हम यहाँ सब देखते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा अगर देखें 90% तो टीच अदर से होता है, यानी आप खुद पढ़ रहे हैं फिर उसको समझ रहे हैं। ऑडियो से भी पढ़ते तो 20% ही हो रहा है ना, और रीडिंग से पढ़ते तो 10% ही आपको समझ आ रहा होता है। डेमॉन्स्ट्रेशन, आप जब कुछ चीज़ का डेमॉन्स्ट्रेशन देख रहे होते हैं तो 30% यू कैन अंडरस्टैंड, डिस्कस करते हैं अपने 50% आपको समझ आ जाता है। अगर आप डिस्कस करते हैं ना अपने ग्रुप के साथ में तो आपको 50% समझ आ जाता है। फिर उसके बाद में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, अब आप पूछेंगे मैम प्रैक्टिस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 75% यू कैन अंडरस्टैंड, अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर लेते हो उसको। तभी तो कहते थे ना कि लिख करके आप करिए लर्न, तो वही चीज़ है। टीच अदर, अगर आपने किसी को पढ़ा दिया, आप किसी को भी पढ़ा दो, वॉल को पढ़ा दो, डॉगी को पढ़ा दो, अपने पैट है उसे किसी को भी पढ़ा दो, आप छोटे बच्चे को पढ़ा दो, उसे तो वैसे भी समझ नहीं आने वाला है आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, लेकिन आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा आपने गलत पढ़ाया या सही पढ़ाया। तो उससे क्या होगा, 90% आपको अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपका आ गया ब्लूम्स, बेंजामिन ब्लूम का पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड यूटोगोजी, मैंने पहले भी बताया था। जॉन दवे का हो गया, और फिर हार्शले एंड ब्लैंचार्ट मॉडल हो गया, ठीक है, एंड मॉरिसेल बेजी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर के बारे में मैंने बात करी थी, मैंने कहा था कि मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा दूंगी। तो ये देखिए कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, ठीक है, वन सेकेंड, ठीक, ये आ गया आपके कम्युनिकेशन बैरियर्स, ओके, दीज ऑल आर द कम्युनिकेशन बैरियर, टेक्निकल क्या होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, है ना। आप डिटेल वीडियोस कहेंगे तो मैं बना दूंगी। ये देखिए कम्युनिकेशन बैरियर्स मैंने पूरा दिया हुआ है। क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में मैंने बात करी थी, तो ये रहे दीज आर द क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सारे क्लासरूम कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं इसके अंदर, ओके, ये रहे कम्युनिकेशन मॉडल्स, दीज ऑल आर द कम्युनिकेशन मॉडल्स, ये देख सकते हैं आप, ठीक। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा। अगर फिर भी आप कुछ चाहते हैं कि हम और भी आपके लिए चीज़ें बनाएं, कुछ लेके आएँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, और कोई इशूज़ नहीं है, बहुत कॉमन सेंस बेस्ड आ रहा है क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ाई करी है तो बिल्कुल JRF आपकी का होगा। और ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ में, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है और आप तक बिल्कुल सारी चीज़ों को लेके आएंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स, ओके देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।